हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फारूक। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो TVS Ntorq है हमारी, उसका डिजिटल मीटर को कैसे हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो ओनली 5 मिनट्स में। तो गाइस, नया TVS Ntorq जो TVS कनेक्ट बल्कि एक ऐप लॉन्च किया हूँ उसके साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग, जस्ट 5 मिनट लगेगा। तो आपका गाड़ी का नंबर जब होगा उसको बाद ही कनेक्ट करना, नहीं तो कनेक्ट नहीं होंगे जब नंबर प्लेट नहीं होगा आपका बाइक का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, फर्स्ट आप लोगों को एक एप्लीकेशन का डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाके सर्च बार में सर्च करना TVS कनेक्ट बल्कि एक एप्लीकेशन है, आप लोग जानते हो TVS बोल के एक एप्लीकेशन है, देख लीजिए। हम लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप लोग डाउनलोड करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद ऐसे का इंटरफेस आएगा, सो आप अलाउ कर देना, आपको ऑल टाइम अलाउ कर देना। उसके बाद जो आपका लोकेशन है उसको ऑन कर देना। नीचे जो बटन दिख पा रही है इसको आप लोग स्क्रॉल करके चले जाना। तो यहाँ पर सिंगिंग करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट आपका गूगल आई डी कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो। आप क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, आपका नाम डालेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी, सिटी और सबमिट कर देना, ठीक है। ऐसे फिल करने के बाद सबमिट कर देना। यहाँ पे एक OTP आएगा, जिस नंबर दिया हो उसमें एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद सबमिट कर देना। यहाँ पे आपका एडू बाइक एंड योर क्लासिक नंबर, फ्रेम नंबर, ये सब लोग नहीं जानते हैं। इसको आपको क्या करना है, आपका बाइक का डिगी ओपन करना है। यहाँ पे जो देख लीजिए, हम फ्लैश चला के आपको दिखाते हैं। ये बोला जो नंबर होती है सब स्कूटी का, चेसिस नंबर, वो फ्रेम नंबर ये डाल देना, ठीक है। चेसिस नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना। वेरीफाई पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्टर इंटर रजिस्टर नंबर देना बोल रहे हैं, तो आप दे सकते हो। और नीचे यहाँ पे आपका बाइक का निक नेम रख सकते हो। हम देते हैं यहाँ पे Ntorq लिख देते हैं। देने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपका बाइक का नंबर हो जाने के बाद ट्राई करना, उसका फेल मत करना, वो नहीं होगा। ऑल अलाउ कर देना। आपका बाइक का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है, आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपका बाइक का चाबी ऑन करना। ऑन करने के बाद लेफ्ट वाला बटन 5 सेकेंड प्रेस करने के बाद आपका डिस्प्ले पे एक लिखा आएगा जे ब्लूटूथ कनेक्शन ओपन, देख लीजिए। BT पेयर मोड, ब्लूटूथ पेयर मोड, यहाँ पे कनेक्ट बोल के एक ऑप्शन है आपका मोबाइल पर, ये वाला बटन दबा देना, कनेक्ट हो जाएगा। अलाउ कर देना। यहाँ पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ब्लू कनेक्शन सक्सेसफुल, हेलो फारूक अब्दुल्ला लिखा है इधर। यहाँ पे दिख पा रही है जो आपका बैटरी कितना है, टावर कितना है, ब्लूटूथ कनेक्शन है, ये डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं। यहाँ से आप लोग राइड कर सकते हो, कितने किलोमीटर जा चुके हो दिखा सकते हो। यहाँ पे दिखाएगा स्पीड, आपका लोकेशन किधर है। नीचे पे यहाँ पे आपका नेविगेशन बटन लगा सकते। सो गाइस, यहाँ से आपका बाइक का डिस्प्ले को, मीटर का डिस्प्ले को आप लो या हाई कर सकते हो। ये है आपका, देख लीजिए, ये बाइक का मीटर, और इसको आप जैसे करने से ये बढ़ जाएगी, देख लीजिए बढ़ गया सेव करने के, ठीक है। अब ये लो कर देने से, सेव करने के बाद ये लो हो जाएगा आपका बाइक, ठीक है। आपका बाइक का डिस्प्ले मीटर का हाई हो गया, देख लीजिए। ऐसे
बहुत फीचर्स है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से आप लोग राइट कर सकते हो, नेविगेशन है इधर, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप है आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना है इंटॉक रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो हमारे और वीडियो है, देख लीजिए।